अपने पसंदीदा शो देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। हम प्रतिज्ञा लेते हैं माता रानी कि हमारी वजह से इस घर में कभी भी कोई कलह कोई कलेश नहीं होगा। लल्ला, तू जानता ना है वो कैसी लड़की है। कैसी लड़की है वो? ये वही लड़की है ना माँ, जिसे आपने जिद करके मेरी शादी करवाई थी। पर तू तो नहीं करना चाहता था ना, फिर आज उसका साथ क्यों दे? मैं सिर्फ सच का साथ दे रहा हूँ माँ। अगर आपने भी सच का साथ दिया होता तो ये नौबत ही नहीं आती। पापा को भी इतनी शय मिलती ही नहीं। पर लल्ला, प्लीज माँ, मुझे इसके बारे में और कोई बात नहीं करनी है। साहब मुझे अकेला छोड़ दीजिए प्लीज। क्या है, क्या हुआ? हाय हाय, बहुत ही बुरा हुआ, बहुत ही बुरा हुआ। बेटे ने बाप से जबान लड़ा ली, बाप ने बेटे को थप्पड़ जड़ दिया, और उससे भी ज्यादा बुरी बात कि बेटे ने माँ के सामने बीबी का साथ दे दिया। अरे अरे अरे, क्या हो रहा है? चुप। तू क्या समझती है रुंजुन कि मैं चुप बैठ जाऊंगी? कल सुबह सुबह देखना, इस बिंदिया को इस घर से बाहर ना निकालाना, तो जिस मिट्टी से ये मूर्ति बनी है ना, उस मिट्टी को अपने पूरे चेहरे पर लगाकर पूरे शहर में घूमूंगी। देखती हूँ उसे कौन बचाता है। हथियारों की जय हो। बिंदिया, Thank you.
बस तू ही जानता है। हमें हमें माफ। हमने चोट पे तो मरहम लगा ही दिया, पर आपकी चोट पे मरहम कौन लगाएगा? मुझे कौन सी चोट लगी है? दिल दुखा है ना आपका। तुम्हें उसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैं अपना ख्याल रख सकता हूँ। कुछ भी बोले आपको अच्छा नहीं लगता है ना? बुरा तो आपको लगा है, पर हम सब जोड़ लेंगे, सब ठीक कर देंगे हम। देखो तुम इन सारी अफवाहों पर ध्यान मत दो, फोन रखो। जी अजय, किस किस को कहते रहेंगे कि जी अफवाह है। अब देखो ना, जुबली है ना बाहर का मेन गेट बंद करने गया था, और वो जो पड़ोसन है ना मिसराइन, वो किसी से कह रही थी कि पूजा बंद होने के बाद घर की बहू को बाहर से घर में घुसते हुए देखा है। हत्यारों की जय हो, नाक कटवा दी हम सबकी। अजी पैर दीजिए जी, बाहर वालों का मुंह तो बंद कर देंगे जी, पर जो घर में कलेश चल रहा है उसे कैसे बंद करेंगे जी? आज तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा ना लगा जी। अभी तो पहले भी बोलता था बातें, पर लिहाज तो रखता था, पर आज तो उसने हद ही कर दी जी। पर आपने भी जी उस पर हाथ उठा लिया, पर ये सब किसकी वजह से हुआ? ये बिंदिया रानी की वजह से हुआ ना अजी। हमने तो सोचा था कि बहू आई है तो सबकी सेवा करेगी, पर ये इसने तो आते ही घर तोड़वाना शुरू कर दिया। रोज नया पापाल, अब बताओ हा? हम तो कहते हैं कि इसे ना सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए, जो कायदे में रहे वही फायदे में रहे। हाँ जी, अजी अगर हम आपकी जगह होते ना तो कब का उसे धक्का।
धक्का मारकर घर से बाहर निकाल देते। बनाओ। हमारी जगह लेगी। हाँ, बहुत बड़े बड़े सपने देखने लग गई है लल्ला की अम्मा। तुम्हारी जगह वही है जहां तुम जाके गिरी हो। जनता जवाब मांग रही है। ये औरतें सिर्फ और सिर्फ न्याय के लिए मोर्चा निकाल रही हैं। सस्ती शराब पीकर 100 से ज्यादा लोग बीमार हुए और 30 लोगों की मृत्यु हो गई। प्रशासन आखिर क्या कर रहा है? प्रशासन हाय हाय बंद करो सस्ती शराब। ये सब क्या कर रही हो? तुम्हारी हथेलियां जली हैं, क्या जरूरत है सब करने की? हम तो बस अपना धर्म। मैंने कहा था ना, मैं अपना ख्याल रख सकता हूँ। लाओ, मैं रखता हूँ। नहीं, हम रख देंगे। क्या हुआ इंडिया? आओ बैठो। क्या बात है, तुम्हें चक्कर क्यों आ रहा है? कुछ खाया है तुमने? कहाँ खाया है अभी भैया? सब लोगों ने व्रत तोड़ दिया सूर्यदेव के साथ, बस बिंदिया ने ही खाना नहीं खाया। अजी पागल लड़की हो, तुमने कुछ खाया क्यों नहीं? ये तुम्हारा प्रसाद का थाल है जिससे तुम्हारा व्रत टूटेगा। तुम कल रात से इसको दे ही नहीं पाए। लाओ। लो, पानी पियो।
अरे अम्मा, अरे देख के नहीं चल सकती है का? तुम नहीं देख के चल सकती हो का? इसमें का है? अरे ये काली मिट्टी का घोल है, जैसे हमने वो गौरी जी की मूर्ति बनाई थी। अब तुमने ही तो कहा था कि इसको पूरा मुंह पे पोत कर शहर भर में घूमोगी अगर बिंदिया घर से बाहर नहीं गई तो। देखो ना, वो देखो, मॉर्निंग का 8 o'clock हो गया है। अब बिंदिया यहीं पर ही है तो उसकी हम तैयारी कर रहे हैं। देखो, सुबह अभी खत्म ना हुई है रुंजुन। ला, हम भी देखे जरा। हाँ, बराबर है गोल, है ना? ए लो। अरे अम्मा, ये क्या कर दिया अम्मा? क्यों रही हो? आपने हमरा व्रत खुलवाया ना, हेलो व्हाट? तुम सीएम सर के साथ रहो, मैं अभी आ रहा हूं। मुख्यमंत्री जी को सीएम सर की तबीयत अचानक खराब हो गई है, लेकिन अब तुम्हें सबके बीच में नहीं आओगी। अगर इस बार तुम अस्पताल आई तो मैं खुद तुम्हें तुम्हारे गांव छोड़कर आऊंगा। हम तो घड़ी ठीक करके वर्दी पे रखे थे, ये पहने का है नहीं। दिया तूने और हमसे पूछ रही हो कि क्या हुआ? चल अभी के अभी निकल यार, निकल। सास हो, बहू को नियंत्रण में रखना सीखो, और अगर बहू तुम्हारे काबू से बाहर जा रही है तो तुम भी इस घर से बाहर जाओगी, का समझी? निकल, हम भी बात तो। अरे का सुनू तेरी बात? हाँ, तेरी वजह से बाप और बेटे के बीच में झड़प हुई। तेरी वजह से एक बाप ने जवान बेटे पर हाथ उठाए। तू इस घर में रहेगी ना तो धीरे धीरे ना मेरा घर उजड़ जाएगा। मनुष्य है तू इस घर के लिए, तुझे तो मैं एक पल भी इस घर में ना रहने दूंगी। अम्मा, क्या हुआ? अरे क्या हुआ अम्मा, तुम जवान लड़ा रही हो तो उनको भी बाहर जाना है का? खड़ी हो चुपचाप। राम मालिक, अरे ये अपनी बहू के साथ क्या कर रही है समदन जी? अरे ये बेशरम लड़की अपने पति को पिटवा करके ना इस घर में महारानी की तरह रह रही है। अरे अम्मा, वो तो वही वाली बात हो गई ना कि बिल्ली चली बाग में चीखी। चुप, मुहावरे ना बनाना छोड़ दे, और अभय जाते जाते जिस चीज को बाहर फेंक गया ना वो बता इसे। हाँ, अरे अम्मा का तो यही है। ये है तू उसकी नजर में एकदम उधड़ा हुआ रिश्ता, जिसे वो कभी ठीक नहीं होने देना चाहता, बल्कि अपनी जिंदगी से ना बाहर फेंक देना चाहता है। कर ली ना तूने कोशिश सब जोड़ने की, घड़ी भी टूट गई और तेरा रिश्ता भी।